हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर टेक प्रोग्राम माइंड। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम टेबल के सेल का कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं, या रो का कलर या हेडिंग का कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको ये कोड रन करके दिखाता हूँ कि किस तरह दिखाई दे रहा है। ये लास्ट टाइम वाला ही कोड है हमारा। ये देखिए टेबल दिखाई दे रही है। अब हमें क्या करना है कि ये राम कुमार वाले का हमें क्या करना है, इस सेल का कलर चेंज करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोले राम कुमार वाले के पास जाना पड़ेगा, सेल के पास। यहाँ लिखना पड़ेगा हमें बीजी कलर, बीजी कलर लिखा, इक्वल का साइन लगाया डबल कोट्स में। आप इसको दे दीजिए पिंक कलर दे दीजिए तो सही रहेगा, ज़्यादा अच्छा देगा। इसको रन करके देखते हैं, देखिए आउटपुट क्या आता है हमारा। ओहो, इसको रिफ्रेश करा, देखिए ये हमारा पर्टिकुलर सेल का कलर सेट हो गया है। आप चाहते हैं कि ये पूरी पूरी रो का कलर सेट करना है, जैसे कि मोहित वाशने रुचि वाली का। आपको क्या करना है, पूरी रो का कलर सेट करना है। ठीक है, तो आपको ये टी आर वाली रो में जाना पड़ेगा, मतलब जो रो क्रिएट करता है उसमें जाना पड़ेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, बीजी कलर, बीजी कलर लेगा, बीजी कलर इज इक्वल टू, और इसमें आपको देना है, आप इसमें दे दीजिए कौन सा कलर दें, येलो खाकी देते हैं, खाकी। ये खाकी सेम सेव करा, इसको रन करते हैं, देखिए आउटपुट क्या आता है हमारा। देखिए ये कलर आ गया हमारा, पर्टिकुलर रो में आ गया। आप चाहते हैं कि ये हेडिंग वाली लाइन में आपको कलर करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपको हेडिंग में जाना है, इसकी ये टेबल की हेडिंग में, टेबल की हेडिंग में जाना है आपको। जिसमें भी कलर सेट करना है आपको, यहाँ लिखिए बीजी कलर, बीजी कलर लिखा है यहाँ पे। ओहो, स्पेलिंग गलत, BGCOO, बीजी कलर लिखा, इज इक्वल टू का साइन लगाया डबल कोट्स के अंदर। आपको यहाँ क्या करना है, कुछ ग्रे कलर डाल देते हैं। ठीक है, सेव करा, इसको रन करते हैं और देखिए आउटपुट क्या आता है। देखिए पर्टिकुलर इसका भी हेडिंग का भी कलर सेट हो गया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो कि आप किस तरह किसी भी सेल का, रो का या हेडिंग का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।